हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो सर्किल्स पर हमें कॉमन टेंजेंट बनानी है तो कॉमन टेंजेंट कैसे बनाएंगे। इन दोनों सर्किल्स का रेडियस इक्वल है तो सबसे पहले सर्किल बना लेंगे, जो भी रेडियस दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है उसके हिसाब से आप सर्किल बना लेंगे। तो सर्किल बनाने के लिए जो डायमीटर या रेडियस आपको गिविन है उतना रेडियस आप कंपास में लेके सर्किल बना लेंगे। इसके बाद इन दोनों टेंजेंट, इन दोनों सर्किल्स के बीच की दूरी दी हुई होगी, जो दूरी आपको दी हुई है उसके हिसाब से आप वो डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। तो ये फर्स्ट सर्किल का सेंटर हो गया O1 और दूसरे सर्किल का रेडियस हो गया सेंटर हो गया O2। अब रेडियस इनका इक्वल है तो जो पिछला रेडियस था वही रेडियस लेके यहाँ से भी एक सर्किल आप बना देंगे O2 पॉइंट से। तो O2 पॉइंट से भी आप एक सर्किल बना देंगे जिसका रेडियस बराबर है पहले सर्किल के। तो इस तरीके से आपने दो सर्किल्स बना लिए जिनका रेडियस सेम है। इसके बाद आपको कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट दो तरीके की होंगी इसमें, एक एक्सटर्नल टेंजेंट होगी और एक इंटरनल टेंजेंट होगी। तो एक्सटर्नल टेंजेंट बनाना तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको O1 और O2 दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइंस बनाइए और वो जहाँ सर्किल को टच करेंगी वो पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। तो ये O1 पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ड्राफ्टर से और आसानी से बन जाएगी। इसी तरीके से ये O2 पॉइंट है, यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। जहाँ ये सर्किल को टच कर रही हैं इन पॉइंट्स को हमने सपोज कर दिया, नेम दे दिया T1 एंड T2। अब स्केल की मदद से, ड्राफ्टर की मदद से इन T1 और T2 को ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों, ये जो लाइन बनेगी T1 T2, ये दोनों सर्किल्स को एक्सटर्नली टच करेगी। तो ये जो लाइन बनी है हमारी ये क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट। अब एक्सटर्नल टेंजेंट बनाने के बाद इंटरनल टेंजेंट बनाना है। तो जैसे पहले सर्किल में अगर किसी पॉइंट से हमें टेंजेंट बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइन का बाइसेक्टर बनाते हैं। तो हमें O1 O2 लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए O1 O2 के हाफ से ज़्यादा आप रेडियस लेंगे, O1 O2 का जितना हाफ होगा उससे ज़्यादा रेडियस लेके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप आर्क लगाएंगे। इसी तरह O1 पॉइंट से आप आर्क लगाएंगे, जहाँ ये आर्क्स आपस में मीट करेंगी उसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको O1 O2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। इस तरीके से आप O1 O2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। सपोज करिए ये पॉइंट P है। अब इसके बाद O1 P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो वही प्रोसेस करेंगे, O1 P के हाफ से ज़्यादा लेके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। पहले P से लगा ली हमने दोनों तरफ आर्क, अब O पॉइंट से लगा रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो O1 P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा इस तरीके से। सपोज करिए ये पॉइंट M है, इसके बाद O1 M के बराबर रेडियस लेके इस सर्किल के ऊपर एक आर्क लगाएंगे, यानी M पे आपको जो है अपना प्रोटेक्टर रखना है और O पॉइंट पे आपको पेंसिल रखनी है।
इस तरीके से, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे आप जो इस सर्किल को कट करेगी। सपोज करिए ये पॉइंट ए है, कैपिटल ए, जहाँ पे इसने सर्किल को कट किया आर्क ने, जो आपने ओ से बनाई है, जो आपने एम से बनाई है, ओ एम रेडियस लेके, ओ वन एम रेडियस लेके जो बनाई है, वो जो है सर्किल को कहाँ टच कर रही है, मेन सर्किल को, ए पॉइंट पे। इसके बाद आप कंपास को पी पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल को ए पॉइंट पे रखेंगे, यानी ए पी रेडियस लेके, ए पी के बराबर रेडियस लेके आप एक सर्किल बनाएंगे। ए पी रेडियस लेके आपने एक सर्किल बनाया, जहाँ पे इस सर्किल ने इस पॉइंट को, दूसरे सर्किल को कट किया है, उस पॉइंट को नाम आप दे दीजिए P, और जहाँ ऊपर कट किया है उसको B नाम दे दीजिए। अब B से A को ज्वाइन कर दीजिए, ये पॉइंट जो A पॉइंट है इसको B पॉइंट से ज्वाइन करना है, पासिंग B। तो इस तरीके से आपकी इंटरनल टेंजेंट बन जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, B पॉइंट पे आप B और A को P से पास होते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट इंटरनल टेंजेंट हो गई AB, और ये जो P पॉइंट मिला है इसको इसी तरीके से P से पास होते हुए दूसरे सर्किल से टच करेंगे। जहाँ ये टच करेगा ये पॉइंट आपका Q हो जाएगा, ये पॉइंट Q हो जाएगा, और ये PQ और AB जो हैं ये आपके दो इंटरनल टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किल पे, इक्वल रेडियस के सर्किल्स पे एक्सटर्नल टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो T1 T2 जो है आपका एक्सटर्नल टेंजेंट है, एक्सटर्नल टेंजेंट, और ए बी कॉमा पी क्यू ये दोनों जो हैं आपके इंटरनल टेंजेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।